अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वीवर्स? सब लोग खैरियत से हैं? आज मैं बनाने वाली हूँ ड्राई भिंडी। बहुत चटपटी और मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, मैंने आधा किलो भिंडी ली थी, उसको काट कर मैंने इसे थोड़ा सा तेल और ये हल्का नमक डालकर भून लिया। थोड़ा उसको सौते करेंगे भिंडी को। अब जैसे भिंडी सौते हो जाएगी मैं इसको अलग रख लूँगी। अब मैंने कढ़ाई में सेंगदाना लिया है, सेंगदाना मैंने ज़्यादा लिया है क्योंकि इसकी मैं चटनी भी बनाऊँगी अलग से। जब सेंग का पैकेट मैंने ओपन किया तो सोचा दोनों काम हो जाए, तो मैंने सारे सेंग भून लिए, उसको भी अलग निकाला, लहसुन और हरी मिर्च। अब उसको भी ऐसे ही भूनूंगी। अब इसमें कोथमीर डालकर मैं इसको खीचे की तरह कूट लूँगी, या तो मिक्सी में जड़ा जड़ा पीस लूँगी। भिंडी साइड में रखी हुई है। अब मैंने फिर कढ़ाई में तेल डाला, उसमें ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और इसे भूना मैंने थोड़ा सा। ये जब बघार तैयार हो गया तो उसके बाद ये देखिए, बघार के बाद कभी भी आँच स्लो ही रखें, ज़ीरा फ़ौरन जल जाता है। अब इसमें जो मैंने लहसुन, हरी मिर्च, कोथमीर का जो मैंने ठेचा जैसा बनाया था, मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए, इसे इस तरह दरदरा रखिए, बारीक नहीं। मैंने मिक्सी में चला लिया था, ख्याल रखे। देखिए इसका लुक देखिए, बस इसको ऐसे ही रखना है, बारीक बिल्कुल नहीं करना है, पतला बिल्कुल नहीं, ड्राई करना है। ये देखिए, अब मैंने उसको साइड में किया और बारीक कटा हुआ एक प्याज शामिल कर दिया उसमें। ये देखिए, अब इसके साथ ही इसको भुनना है। अब इसमें भिंडी भी डाल दूंगी। अब इसको दम पे मज़े से 15 से 20 मिनट तक पकने दूंगी। इसमें हल्दी भी शामिल कर दी मैंने। ये देखिए, हल्दी भी शामिल कर दिया मैंने। अब इसे चलाकर थोड़ा सा नमक चेक कर लूँगी, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था। अब इसमें एक चाट मसाला जो है ये भी डाल दूँगी, इससे इसका टेस्ट चटपटा हो जाएगा, बड़े मज़े का बनेगा। इसको चपाती के साथ या दाल चावल के साथ आराम से खा सकते हैं। भिंडी वैसे सभी बनाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कुछ बनाती हूँ, कुछ भी जो लोग बनाते हैं, बहुत से लोग हर चीज़ अलग अलग तरीके से बनाते हैं, हमको सबका तरीका अपनाना चाहिए। ये देखिए, अब मैं इसको ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। और मैंने सींग जैसे बताया था कि ज़्यादा मैंने भून लिया था, अब सींग, लहसुन, कोथमीर, हरी मिर्ची, नमक, इन सबको मैं ठेचे की तरह मिक्सर में ड्राई पीस लूँगी। और ये चटनी माशाल्लाह, आप फ्रिज में रखिए, आराम से हफ्ता 10 दिन इसको रोटी के साथ या दाल चावल में, या कभी कुछ इस खाने का दिल नहीं हो तो साइड में इसको रख कर खाइए, खाना खाने का भी मन करेगा। ये देखिए, भिंडी तैयार है एकदम ड्राई, और ये चटनी, हमने चपाती बना लिए थे, और ये दोनों डिश बनाने के बाद रोटी के साथ बड़े मज़े किए हमने, इंजॉय करते करते खाया। बच्चों ने पानी पूरी का प्लान बनाए थे, मैंने सुबह सफ़ेद बटाने भिगा लिए थे 5-6 घंटे पहले, उसको हल्दी नमक के साथ बॉईल कर लूँगी। और इसमें पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, इसको मैं पीस कर हरी चटनी बना लूँगी। अब देखिए, जो हरा मसाला मैंने पीसा है, इसमें चाट मसाला, काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक वो शामिल कर दिया। काले नमक की क्वांटिटी ज़्यादा रखें, सफ़ेद नमक मामूली सा डालें। के लिए गुड़ इमली की चटनी जो उसमें लगती है वो मैंने पहले से ही तैयार मेरे घर पे रखा रहता है। इसमें मैंने गुड़ और इमली को भिगा के रखा था, फिर इसको छान कर मैंने उसका रस जो है उसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला डालकर उसे अच्छी तरह पका के थिक कर लिया। अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम लोग घर में ही खा रहे हैं,
हमको पता है सबका क्या टेस्ट है, तो सारे लोगों का टेस्ट मिला के मैं एक सरे का ही इसमें बना लेती हूँ। पानी अलग रखने की ज़रूरत नहीं होती, तीखा मीठा सब एक साथ ही हो जाता है और सबका फ्लेवर एक लगभग एक जैसा ही होता है, इतना ज़्यादा भी तीखा नहीं होता है। और मिक्सर का जो पानी है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस पानी तैयार है, रगड़ा भी तैयार है, पूरी भी तैयार है और बच्चे भी तैयार हैं। अब फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।